इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। रुपया, रुपया, ठीक है। वैसे देखो हर कंट्री की करेंसी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो ठीक है, कोरिया, कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। और वो अगर हम उसको हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो इंडियन रुपीज़ में वो कितने हैं? 0.04 रुपीज़, ठीक है। जैसे अब ये देखो, वैसे ये पूरी लिस्ट है, श्रीलंका, नेपाल, हांगकॉन्ग, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएई, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड और इंडिया। इंडिया की क्या है? रुपी। और हमारा क्या है? 1.00, मतलब कितना? एक रुपये, एक रुपये है ना हमारी तो। अब देखो इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्या है? पाउंड। पाउंड इंग्लैंड की देखो 77.76, मतलब अगर कोई आदमी इंग्लैंड में अगर एक रुपया कमा रहा है या एक पाउंड कमा रहा है तो भारत में आगे कितने हो जाते हैं? 77.76 रुपीज हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। वैसे अगर कोई आदमी जर्मनी में अगर एक यूरो कमा रहा है तो जब वो भारत आएगा तो भारत में अगर हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना कन्वर्ट, कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 58.30, मतलब 58 रुपये और 30 पैसे में, ओके। और ये जो रेट्स हैं सारे, ये रेट्स कब के थे? 2008 के। आज के रेट से सारे अलग हैं, ठीक है, आज के रेट्स चेंज हैं। वैसे ही डॉलर के हैं, दिरहम के हैं, युआन के हैं, सब कंट्रीज़ के अलग अलग करेंसीज हैं। अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट, इस लिस्ट को देखिए, ये बताओ कि कौन सी कंट्री की जो करेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है? इंग्लैंड। इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की कितनी है? 76.76, ठीक हो गया। अब देखो, मिथुन्स अंकल सेंट हिम $10। मिथुन यूज 350 रुपीज, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। देखो मिथुन की चाचा जी जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने उनका कितने डॉलर भेजे हैं? $10 भेजे हैं। अब देखो $10 को पहले हमको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डॉलर का रेट देखो क्या था, तब कितना था? 39.70। इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो 39.70 × 10, 00 और 397, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? कितने अंकों पे? 1, 2, 3, 4। तो कितने रुपए मिले उसे? 397 रुपए। तो उसके चाचा जी ने उसको भेजे और उसने खर्च कितने कर दिए? 350। अब कितने बचे उसके पास? 47 रुपीज उसके पास बचे, ओके। अब देखो, मजीद्स फादर इज गेटिंग 1000 दिरहम एंड अरुण्स फादर इज गेटिंग 2000 श्रीलंकन रुपीज। अब देखो मजीद के जो पिताजी हैं वो 1000 दिरहम कमाते हैं। अब 1000 दिरहम वो कौन से कम, कौन कहाँ करते होंगे काम, इस लिस्ट से बता सकते हो? यूएसए। गलत, दिरहम कहाँ की है? यूएई। यूएई। और अर्जुन के पिताजी कहाँ काम करते हैं? श्रीलंकन रुपीज, 2000 श्रीलंकन रुपीज, मतलब श्रीलंकन रुपीज कहाँ की है? श्रीलंका की, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हु गेट्स मोर INR, मतलब इंडियन रुपीस में किसकी सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 दिरहम को हमको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2000 श्रीलंकन रुपीस को भी हमको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो 1000 दिरहम, अब देखो ये दिरहम है, दिरहम कितने रुपए का है? 10 रुपये 80 पैसे का। 10 रुपये 80 पैसे से हमको किसको गुणा करना है? 1000, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 तो जीरो लगा लो और 108, दो अंक पे दशमलव है, तो कितना हो गया ये? 10,800 रुपये। ये तो किसको, पिताजी को मिल रहे हैं? मजीद के। अब अरुण के पिताजी को 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिल रहे हैं। अब श्रीलंकन रुपीज़ का कॉस्ट देखो कितना है? 0.37। 2000 से उसको गुणा कर लो 0.37 को, 1, 2, 3, 0, 2, 7 जब 14 और 2, 3 जब 6 और 1, 7, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव आएगा? दो। इसका मतलब कितने रुपए कमाते हैं उसके पिताजी? 740 ओनली, 740 उसके पिताजी कमाते हैं और 10,800 कौन कमाते हैं? मजीद के। तो किसको मान ली ज्यादा तनखा? मजीद फादर, ठीक है। मजीद फादर, मजीद थोड़ा दबाना, मजीद फादर, ठीक है। तो मजीद के पिताजी को क्या मिल रही है ज्यादा सैलरी? मिल रही है, ओके। अब देखो जी, लीनाज आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, इट कॉस्ट 30 युआन, व्हाट इज इट्स कॉस्ट इन INR। अब देखो लीना की आंटी ने एक उपहार खरीदा है, गिफ्ट, ठीक है, चाइना से, उसकी कॉस्ट कितनी है? 30 युआन। तो अब वो बोल रहा है कि उसको इंडियन रुपीज में कितना होगा, क्या करना पड़ेगा? गुणा किस से किसको? युआन, देखो कितने का है युआन? 5.50 इंटू
30, 0, 0, 3, 5, 15 और 3, 5, 15 और 1, 16, 16. दो अंक पे दशमलव। कितने रुपए का? 165 रुपए का क्या है वो गिफ्ट है, ठीक है। हाउ मेनी वॉन कैन बी चेंज फॉर ₹4 एंड ₹400। अब देखो, अब हमको जो ये चार रुपए हैं, अब देखो क्या होता है, जब हम भारत से किसी दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, तो हमको वहाँ की करेंसी चाहिए, क्योंकि अगर हमको सामान खरीदना है तो वहाँ की करेंसी में चाहिए। तो क्या होता है कि बैंक में कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि हम अपनी करेंसी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम उन्हें पैसा, अपने रुपए देंगे तो वो उसके बदले हमें उस देश का, उस देश के रुपए दे देंगे। अब कोई आदमी माना जाना चाहता है, वॉन कहाँ की है? कोरिया की, 0.04। अब देखो, अब तक तो हम गुणा कर रहे थे, जब किसी देश से अगर हम अपने में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा करते हैं, लेकिन जब हम अपने से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? भाग, उल्टा उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। अब चार रुपए को हमको किस में कन्वर्ट करना है? वॉन में। रुपीज फोर इज इक्वल टू वॉन, तो चार में किसका भाग देना पड़ेगा हमें? 0.04 का, ठीक है। तो ये लगभग आएगा 100, ठीक है। 100 की क्या मिलेंगे हमको? वन, ठीक है। अब वो बोला 400 को भी ऐसे कन्वर्ट करना है 400। अब 400 में फिर किसका भाग देना है? 0.04 का वन इज इक्वल टू, अब देखो दशमलव के दो, दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं? दो। तो इस इन दो संख्याओं के बदले हमें ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं, दो, नीचे हो गया 4। अब कितना हो गया? 10,000 वॉन। ओके, ठीक हो गया। अब देखो, हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन बी चेंज फॉर ₹508। अब रुपीज 508 को हमको हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो अब हांगकांग डॉलर देखो, हांगकांग डॉलर कितने का है? हांगकांग डॉलर 5.10। हाँ, 5 रुपये 10 पैसे का। 5 रुपये 10 पैसे से क्या करना है? 508। अब दशमलव के आगे दो संख्याएं हैं तो उसके बाद हम कितने जीरो बढ़ा सकते हैं? दो। दो ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं और नीचे के दशमलव अपने आप ही हट जाएंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब हमारे पास बचा है 5080 डिवाइडेड बाय 51। भाग दे सकते हो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। और ये कौन सी करेंसी में है? ये हांगकांग डॉलर्स, जितना भी आएगा आंसर हांगकांग डॉलर्स में, ठीक है। समझ में आ गया? कर दोगे आप? यस सर।